पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और बहुत से दूसरे उदारे टेम्परेरीली बंद कर दिए गए हैं, जबकि कुछ ममालिक तो पूरी तरह से लॉकडाउन में है, यहाँ तक कि आप वहाँ सफर भी नहीं कर सकते। दुनिया इस वक्त एहतियात की पूरी कोशिश कर रही है और मेल जोल के मामलात में फासला रखकर इस वायरस से बचने की कोशिश कर रही है, पर बहुत से लोगों को अभी तक नहीं मालूम कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो आखिर होता क्या है। जब यह वायरस बॉडी में एंटर होता है तो ये फौरन अपना काम शुरू कर देता है। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और कोरोना वायरस के केस में वो आरएनए है जो इसको रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। जब ये वायरस आपके सेल्स से कॉन्टैक्ट में आता है तो ये सेल्स के रिसेप्टर से अटैच हो जाता है। आपका सेल फिर इस वायरस की बहुत सारी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है और उनको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, जहां से ये और सेल्स में एंटर हो जाते हैं। जब इस वायरस की वजह से आपके सेल्स की मौत होना शुरू होती है तो आपका जिस्म इसके जवाब में एक इम्यून रिस्पॉन्स यानी काउंटर अटैक पेश करता है और उसके असरात आपको महसूस होते हैं। ये असरात गले की खराबी, खांसी, बहुत तेज बुखार और सांस में कमी की शक्ल में सामने आते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर है तो वो खुद इस वायरस से लड़ लेगा और आपके सेल्स को महफूज कर लेगा, लेकिन ये सब होने में थोड़ा वक्त लग सकता है और आपको सही होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। अलबत्ता अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये वायरस बहुत तेजी से आपके जिस्म में फैलना शुरू कर सकता है और कुछ केसेस में मौत भी वाकई हो सकती है। आपके वाइट ब्लड सेल्स जो आपके जिस्म में बहुत सारे केमिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, वो आपके लंग्स में फ्लूइड्स के लीकेज का बायस बन सकते हैं। एक ही वक्त में सेल्स की मौत और लंग्स में पानी भर जाने से जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से आपका दम घुट सकता है या ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स फेल होने से आपका जिस्म भी काम करना छोड़ सकता है, जो कि मौत का बायस बन सकता है। कोरोना वायरस से बचने का सबसे मुअस्सर तरीका अभी तक या तो अच्छे तरीके से हाथ धोना है या फिर मेल जोल के मामलात में फासला रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको बताई गई सब अलामत महसूस हो रही हैं, तो फौरन लोकल हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल करें।